हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव विकास के सांस्कृतिक कारक। गर्भधारण से लेकर पंच तत्वों में विलीन होने तक मानव एक अद्भुत यात्रा तय करता है। उस यात्रा के दौरान बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारे मोड़ आते हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो मानव विकास की दिशा को सार्थक रूप से प्रभावित करती हैं। इसी कड़ी में कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो मानव विकास पर अपना एक छाप छोड़ जाते हैं। यूं कहिए कि वो मानव विकास को एक दिशा देते हैं। तो इसी कड़ी आज हम चर्चा कर रहे हैं मानव विकास के सांस्कृतिक कारक। ये कारक आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से मानव विकास की दिशा तय होती है। शुरुआत करते हैं परिचय से। संस्कृति क्या है? सीखे व्यवहार स्वरूप का एक ऐसा समुच्चय होता है जो ज्ञान के अंतर पीढ़ी हस्तांतरण के माध्यम से सीखा गया होता है। वह व्यवहार एक तरह का व्यवहार होता है, लोगों के खास समूह द्वारा प्रकट भी किया जाता है। यह जातीयता, परंपराओं, परिधान शैली, कला, साहित्य, भाषा, धर्म, संगीत और भोजन आदि के संदर्भ में एक सामूहिक व्यवहार होता है। लोग इसे संरक्षित करने के लिए विरासत में मिली पारंपरिक शैली और स्वरूप के अनुसार व्यवहार करते हैं ताकि इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके, जिसको आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। आज के डिजिटल युग में अगर हम बात करते हैं कि अगर कंप्यूटर की भाषा में इसको हम कहें तो ये एक प्रकार की बच्चे की जो एक प्रकार की सामाजिक प्रोग्रामिंग होती है, सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग होती है। जो संस्कृति का जो स्वभाव होता है, जो शुरू से जो देखा गया है, वो एक गतिशील होता है। गतिशील का अर्थ है उसमें छोटा मोटा परिवर्तन आता रहता है, समय के अनुसार, तकनीक के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार। कई सारे ऐसे कारक है जिनके कारण से संस्कृति के अंदर कुछ बदलाव आते रहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत दायरे में जो संस्कृति का स्वभाव है वो सार्वभौमिक होता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जिस संस्कृति में जन्म लेता है उसके पद चिन्हों पर, उसके जो माइंड में जो फुटप्रिंट्स उस संस्कृति के जो बन जाते हैं, उनको वो सदा के लिए संजोए रखता है, चाहे वो कितने ही लंबे समय से के लिए उस संस्कृति से दूर रहे और चाहे कितनी दूर, यानी कितने ही किलोमीटर्स वो, हजारों किलोमीटर भी अगर वो दूर रहता है, उसके बावजूद भी उस संस्कृति के जो माइंड में उनके जो फुटप्रिंट्स जो पड़ जाते हैं उनको सदा के लिए वो संजोए रखता है और उसी के अनुसार वो व्यवहार करता जाता है। भारत एक जो देश है, संस्कृति के लिए एक मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। इतनी सारी भाषाएं, धर्म और सब कुछ यहां पर है। ये बोर्ड आपको यहां दिखा रहा है क्लियर कट, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बीच में किसी ने शानदार तरीके से इसको इंडियन का नाम दिया है। ये बहुत ही शानदार चीज, भारत की सबसे खास बात अगर कोई है तो वही है इसके सांस्कृतिक विविधता। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कौन कौन से वो कारक है। जातीयता और लालन पालन, परंपरा और रिवाज, त्यौहार और पहनावा, कला और साहित्य, भोजन और पाक कला, भाषा और बोलियां, धर्म और प्रथाएं और संगीत। शुरुआत करते हैं जातीयता और लालन पालन से। जातीयता यानी एथनिसिटी एक व्यापक शब्द है जो धर्म, राष्ट्रीयता, वंश, बोली, सांस्कृतिक विरासत आदि जैसे सांस्कृतिक कारकों को अपनी परिभाषा में समेटे रहता है। जातीय समूह के सदस्य होने के लिए व्यक्ति को सांस्कृतिक परंपराओं का लालन पालन करना आवश्यक होता है। अगर किसी समूह का वो सदस्य है तो उस समूह के का सदस्य बने रहने के लिए उसको उसकी जो परंपराएं हैं उसका पालन करना उसको पड़ेगा। बच्चे का लालन पालन जातीय सांस्कृतिक आचरण पर निर्भर होता है। जहां जातीयता से बच्चा क्या सीखता है, अपनी सांस्कृतिक पद्धति को सीख कर उसका अनुसरण करता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक समकालीन सांस्कृतिक जरूरतों की तर्ज पर व्यवहार करना सीख जाता है। अब आप देखिए, इसमें छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से लालन पालन में
माता पिता अपना योगदान देते हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप देखिए इसको। एक छोटा सा बेबी, छोटा सा बच्चा अपने पिता के साइड में बैठकर कुछ भोजन ग्रहण कर रहा है, तो पिता कैसे उसको फीड करते हैं। ये एक सांस्कृतिक प्रदर्श्य में एक लालन पालन की एक पद्धति है। आगे हम देखते हैं परंपरा और रिवाज। ये कुछ तस्वीरें मैंने लगाई है भारतीय परंपरा और रिवाजों की। परंपराएं क्या होती हैं? परंपराएं सांस्कृतिक प्रथाओं के चलन को कहा जाता है, जबकि रिवाज प्रथाओं के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण को कहा जाता है। यानी आज के जमाने में, आज के समय जो प्रथाएं चल रही हैं, जिनका पालन हो रहा है, वो परंपराएं हैं, और उन परंपराओं को अगर हम अपने दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करते हैं तो वो रिवाज बन जाते हैं। लोग सामाजिक समारोह और स्थितियों, जैसे शादी और कार्यों के दौरान कोई फंक्शन होता है हमारे घर में, कोई शादी होती है, उस समय देखना आप उनका जो पहनावा होता है पूर्ण रूप से सांस्कृतिक होता है। वो क्या खाते हैं वहां पर, क्या पहनते हैं, कैसा साझा कलेक्टिव बिहेवियर कैसे वो करते हैं, ये सारे के सारे परंपरा और रिवाज के दायरे में आते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, भारत में अगर आप किसी महिला को देखेंगे तो माथे में वो बिंदी, बिल्कुल दोनों आईब्रो के बीच के अंदर एक बिंदी लगाती हैं, और अगर पुरुष को देखेंगे तो चंदन का पेस्ट लगाते हैं। और अगर आप अभिवादन करने का तरीका देखते हैं भारत में तो हाथ जोड़कर होता हो। ये क्या चीजें हैं, सारी परंपरा और रिवाज होते हैं, वो सब के सब व्यक्ति के विकास को सब प्रभावित करते हैं। परंपरा और रिवाज सार्थक रूप से बच्चे के संज्ञानात्मक और सारे विकास को प्रभावित करते हैं। यह कहना पर पूर्णतः सुरक्षित है कि बच्चे का व्यवहार विभिन्न परंपराओं और रिवाजों की अंतक्रिया का परिणाम होता है। इनमें परिवर्तन, ध्यान रखना, इनमें परिवर्तन अपेक्षाकृत कठिन होता है। ये मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल होता है, परिवर्तन होता है लेकिन वो कठिन होता है, क्योंकि इनका पालन करने से व्यक्ति को एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक आराम और एक साइकोलॉजिकल सांत्वना मिलती है। जो परंपरा और रिवाज है वो हमें एक रिलीफ देते हैं, साइकोलॉजिकल कंफर्ट हमें देते हैं। इसी कारण से इनको लगभग परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। आगे देखते हैं हम तीसरा, त्योहार और पहनावा। भारत तो इस मामले में विविधतापूर्ण देश है, सारे त्योहार यहां मनाए जाते हैं, और ये पहनावे का विविधता आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट करना बहुत मुश्किल है, इतने तरह का हमारे यहाँ पहनावा है। कुछ पिक्चरें जो हमारे यहाँ दिखा रही है, त्योहारों और वस्त्र धारण शैली संस्कृति की प्रत्यक्ष एवं भौतिक अभिव्यक्ति होती है। अगर किसी संस्कृति को पहचानना है आपको तो उसके त्यौहार वस्त्र धारण शैली को देखिए। यह एक सांस्कृतिक समूह को एक मजबूत इकाई में पिरोहे रखती है। त्यौहार और पहनावे की बात कर रहा हूं मैं, बच्चा सांस्कृतिक त्योहारों के माध्यम से सहयोग करना, साझेदारी, समायोजन और सामूहिक उत्सव के कौशल को सीखता है। यहां पर जो इंपोर्टेंट बात बताने में जा रहा हूं, दो मुख्य मानवीय प्रेरक होते हैं, अनुराग का बंधन अफिलिएशन और संबंधन अट्रैक्शन, या एक दूसरे से जिस तरह से एफिलिएशन होता है, और संबंधन का मतलब यहां पर होता है कि कैसे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, को पूर्ण करने में, यानी दोनों जो मानवीय प्रेरक हैं अनुराग का बंधन और संबंधन, इनको पूर्ण करने में त्योहार और पहनावा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जिससे सांस्कृतिक सामंजस्य एवं संशक्ति और मजबूत होती है। कोहिशन, आपस में जो जुड़ाव है वो काफी और मजबूत होने लगता है त्योहार और पहनावे के माध्यम से। ये तनाव और दबाव को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। बिल्कुल, त्योहार एक तरह से जो पेंट अप एनर्जी होती है उसको ये रिलीज कर देते हैं। त्योहार और पहनावा सामूहिक रूप से संस्कृति को विश्वास, प्रेम, अपनेपन की भावना, भाईचारा, संतोष, प्रकृति के साथ सद्भाव, इन्वायरमेंट के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन आदि मौलिक घटक उपलब्ध कराते हैं, जो विकास को तारतम्य एवं सामंजस्य प्रदान करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है त्योहार और पहनावा। अगला देखते हैं हम, कला और साहित्य। कला और साहित्य को संस्कृति का दर्पण माना जाता है। इसके माध्यम से व्यवहार की रचनात्मकता, सुंदरता और मनोरंजन जो संबंधी विशेषताओं को समझा जा सकता है। ये समाज की समकालीन छवि प्रस्तुत करते हैं। कौन सा समाज किस समय में कैसा रहा है, अगर आपको उसको स्टडी करना है, उसको जानना है, तो उस समाज की, उस समय की कला और साहित्य को आप पढ़ लीजिए, समाज की एक छवि आपके सामने बन जाएगी। कला और साहित्य
बालक की आंतरिक विचारधारा के निर्माण की नींव डालते हैं, जिसके अंदर वो इंटरनल का जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे शुरुआत होगा, ये कला और साहित्य ही उसकी नींव डालते हैं। और याद रखना, अगर नींव अगर मजबूत होती है तो बालक का विकास, उसकी जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी जीवन की, वो पूर्ण रूप से एक विकसित के रूप में काम करती है। ये भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के साथ साथ संस्कृति का मूल्यांकन भी करने में मददगार होते हैं। संस्कृति को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए बच्चे को सामाजिक प्रदर्शकों द्वारा, यहां पर सोशलाइजेशन एजेंट्स को हम कहते हैं, कला और साहित्य में प्रशिक्षित किया जाता है। बच्चे को जो उसके सोशल एजेंट्स हैं, स्कूल है, पीयर ग्रुप है, टीचर्स हैं, मीडिया है, माता पिता है, फैमिली है, ये सारे उसको प्रशिक्षित करते हैं कला और साहित्य में। और विचारों की पारस्परिक क्रिया, ये कला और साहित्य के संदर्भ में बात कर रहा हूं, कला को अंकुरित करती है, जो मानव जाति के प्रगतिशील विकास में सहायक होती है। अगला देखते हैं हम, भोजन और पाक कला। जिस प्रकार से त्यौहार और पहनावे में भारत में विविधता है, इसी प्रकार से भोजन और पाक कला, उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें भी बहुत ज्यादा विविधता है। भोजन, इसको पकाने का तरीका और खपत का स्वरूप मजबूत सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। यह परंपराओं और रीति रिवाजों का भंडार होता है। याद करो दोस्तों कि जो भोजन है और पाक कला है, किस तरह से जब आप अपना देश, अपनी संस्कृति छोड़कर लंबे समय से कहीं दूर रह रहे होते हैं, अगर वहीं पर आपको अपनी संस्कृति का किसी भोजन बनाने की अगर खुशबू आती है, तो आप याद कीजिए किस तरह से आपकी यादाश्त एक तरह से तरोताजा हो जाती है, आपकी संस्कृति के संबंधित जितने भी आपके रीति रिवाज, जितनी परंपराएं हैं, सारी तरोताजा हो जाती है। भारत के संदर्भ में एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कहीं पर भी आप देखिए लड्डू बनाने की, जलेबी बनाने की, बर्फी, खोआ या जो भी कुछ बनाने की अगर जहाँ खुशबू आती है, अगर चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे साइबेरिया में रह रहा हो, चाहे अर्जेंटीना में वो रह रहा हो, उसके जैसे ही वो खुशबू उसके अंदर आती है, तो वो उसकी एक जो संस्कृति के जितने रीति रिवाज हैं वो उसके अंदर दोबारा से उद्गीन होने शुरू होते हैं। इसलिए इसको कहा गया है रीति रिवाजों का एक भंडार होता है। भोजन बच्चे के मनोवैज्ञानिक और भौतिक पहलुओं को खासा प्रभावित करता है। देखिए, हिंदू धर्म में मांस खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना एक पाप माना जाता है, क्योंकि वो कहते हैं अहिंसा का जो कंसेप्ट है वो हिंदू धर्म में है। और उदाहरण के लिए आप देखिए, हरियाणा जो है अपने समृद्ध भोजन के कारण, फूड जो प्रोडक्ट्स है उसके, खास करके मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके कारण आप उसका परिणाम आप देख पाएंगे कि उच्च क्षमता वाले खिलाड़ी उत्पन्न करता है, और खास करके उन स्पोर्ट्स में जिसको संपर्क खेल कहा जाता है, जैसे कुश्ती में, मुक्केबाजी में, कबड्डी में, इन सब में हरियाणा का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे मेडल्स बीच में आते हैं। इसका कारण क्या है? भोजन और पाक कला। और यही है, आप अगर आप देखेंगे तो इन लोगों के अंदर कितनी मजबूती, कितनी ताकत होती है, यानी ये भी एक बहुत बड़ा कारक है उसके विकास को प्रभावित करने के लिए। लेवी स्ट्राइस ने कहा कि आग का उपयोग करके खाना पकाना ही वह आविष्कार है जिसने इंसान को इंसान बनाया है। यह स्थायी रूप से संस्कृति विशिष्ट स्वाद का अंत स्थापन करता है। आज मेरे अंदर एक स्वाद बन गया है तो जम जाता है वो। नॉर्थ इंडियंस रोटी खाते हैं, हमारे साउथ, सेंट्रल और वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडियंस में अगर आप देखेंगे तो उनमें चावल की ज्यादा बहुतायत पाई जाती खाने की, वो टेस्ट एक बन जाता है। नॉर्थ इंडियन कोई भी, हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अगर साउथ में जाता है तो सबसे पहले रेस्टोरेंट में ढूंढेगा तो रोटी ढूंढेगा वो, क्योंकि संस्कृति विशिष्ट का स्वाद जो है वो एक सेट हो गया उसके परमानेंटली, जो एक बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। आगे देखें, भाषा और बोलियां। 22 भाषाओं का देश है भारत। ये ऐसे प्रतीक होते हैं, ऐसे साइन होते हैं जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अवधारणा और विचारों को प्रकट करते हैं। मेरी अवधारणाएं क्या है, मेरे विचार क्या है, इस सारे के सारे भाषा और बोलियों के द्वारा से प्रकट किए जाते हैं। भाषा एक मूल वृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, चोमस्की कहते हैं 1960 में, महालिंग्विस्ट और साइकोलॉजिस्ट चोमस्की कहते हैं कि एक मूल वृत्ति होती है, ये यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट उन्होंने दिया, जो सामाजिक सांस्कृतिक अंतक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। भाषा और बोलियां स्वयं के अभिव्यक्ति के लिए बच्चे को एक मंच प्रदान करती हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चे को। सामाजिक और सांस्कृतिक सेटअप सीखने के पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करते हैं जो विकास की दिशा और महत्व को प्रभावित करते हैं। वाइगोट्स्की, रशियन साइकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि शब्द की
आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन के लिए मानसिक उपकरण के रूप में काम करता है, मेंटल टूल होता है शब्द, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। भाषा के कारण ही व्यक्ति अपनी विशिष्ट संस्कृति के बारे में पढ़ पाता है, जो सांस्कृतिक अनुबंधन को और मजबूत करता है। मेरी संस्कृति का मेरे साथ कैसा बॉन्ड है, कितना मजबूत है मेरा वो बॉन्ड, वो इस बात पर आधारित करेगा कि मैं मेरी संस्कृति की भाषा के बारे में कितना जानता हूं और कितना उसके बारे में मैं पढ़ता हूं। भाषा और बोलियां हमारे संज्ञान को आकार देती हैं, कॉग्निशन को, कॉग्निटिव जो हमारा डोमेन है उसको आकार देती हैं, जो वास्तव में हमें एक इंसान बनाती हैं। अगला देखते हैं हम, धर्म और प्रथाएं। धर्म इतिहास, भौगोलिक स्थिति और संस्कृति द्वारा आकारित नियमों का एक संगठित समूह होता है। यह मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक मूल्यों, अर्थतंत्र और अनुयायियों की आध्यात्मिकता को प्रभावित करता है। बच्चा समाज और सांस्कृतिक वातावरण से धार्मिकता सीखता है, कैसा उसका वातावरण है उसी से धार्मिकता सीखेगा, और जीवन के अधिकांश पहलुओं में उसका इस्तेमाल करता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये एक माँ जो है अपने बच्चे को दीपावली पूजन के लिए तैयार करती है, उसको सिखा रही है कैसे हाथ जोड़ना है। ये देखिए एक त्यौहार, ये राखी बांध रहा बच्चा, ये त्यौहार पर कैसे एक लाइटिंग, और आप देख सकते हैं एक गणेश भगवान की मूर्ति के साथ में बच्चा बैठकर कैसे उनको देख रहा है। ये सारे क्या है, धर्म और प्रथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं व्यक्ति के विकास में। धर्म एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के साथ साथ नैतिक मूल्यों और सामाजिक सामंजस्य का मार्ग भी सिखाता है, यानी नैतिक मूल्य हम धर्म सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, धर्म मनुष्य में पशुता को समाप्त करता है और फिर वही मनुष्य सार्वभौमिक शक्ति का रूप धारण करता है, यानी धर्म में कितनी ताकत है। अपने रूढ़िवादी रूप में धर्म, ये कमी है धर्म की, अगर उसका रूप रूढ़िवादी हो तो मानव के विकास संबंधी पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। और दोस्तों देखिए अंतिम कारक है संगीत। संगीत की अगर बात करें हम तो भारत की जो विविधता है संगीत में देखने को बनती है। संगीत मनुष्य द्वारा सृष्टि के माधुर्य की अभिव्यक्ति होती है, जो एक नेचर ने एक माधुर्य जो दिया है सृष्टि में उसको कैसे अभिव्यक्त करना है, मानव ने एक बहुत शानदार चीज का आविष्कार किया जो संगीत कहते हैं, उसके माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया जाता है। दिलचस्प की बात यह है कि दुनिया भर में मनुष्य सार्वभौमिक तरीके से संगीत के प्रति एक जैसा व्यवहार करते हैं। संगीत गैर इन्वेसिव तकनीक है जो तंत्रिका तंत्र को जोर देता है। गैर इन्वेसिव मतलब बिना ऑपरेशन किए ही मस्तिष्क में घुस जाता है संगीत, और पूरा जो तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क का उसको झकझोर देता है, यादें ताजा कर देता है, याददाश्त को बढ़ा देता है और बहुत आराम देता है संगीत। यह बुद्धि एकाग्रता और खुशी को बढ़ाने के अलावा मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है, इसलिए तो माना जाता है कि संगीतकार साइकोलॉजिकल रूप से बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। संगीत को मन को शांत करने के लिए जाना जाता है, जिससे व्यक्ति की उत्पादकता में गुणात्मक सुधार आता है। जो बच्चे अपने शुरुआती जीवन में संगीत के संपर्क में आते हैं वे अपने भावी जीवन के हर पहलू में बुद्धिमान पाए जाते हैं। दोस्तों संगीत छात्रों को निम्नलिखित तरीके से उत्कृष्ट बनाने में मदद करता है, ब्राउन एलएल की स्टडी कहती है। ये ध्यान रखना छात्रों के लिए खास बात कही है। भाषा के विकास में सुधार होता है, बुद्धि लब्धि आईक्यू में थोड़ी वृद्धि भी हो जाती है। कमाल की बात देखो कि आईक्यू में वृद्धि केवल संगीत से होती है। परीक्षण स्कोर में सुधार आता है, कोई टेस्ट आप देते हैं उसमें सुधार आता है, मस्तिष्क की संयोजकता में वृद्धि यानी कनेक्टिविटी, अगर न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी बढ़ती है तो मानसिक हेल्थ जो है आपकी मानसिक स्वास्थ्य भी इंप्रूव होता है। और दोस्तों स्पेशल इंटेलिजेंस में वृद्धि यानी कि स्थानिक बुद्धि में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सांस्कृतिक कारक जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये रेफरेंस जहां से मैंने लिया है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला व्याख्यान होगा प्रसव पूर्व विकास यानी प्रीनेटल डेवलपमेंट, इससे संबंधित दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर कोई इसमें कोई कमेंट आपको हो, कोई आप बात करना चाहते हो, कोई मुझसे आप किसी भी विषय पर डिस्कस करना चाहते हो, कोई क्रिटिकल कमेंट हो तो आप मुझे varmasujit@yahoo.com पर कर सकते हैं। मैं आपके सुझावों को हमारी वीडियो में स्वीकार करूंगा, इनकलकेट करूंगा, और अगर कहीं पर भी कोई भी सुधार की आवश्यकता होती है तो मैं उसके अंदर जरूर डालूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।